नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हां दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी जो कि CISF की तरफ से निकाला गया है, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया है, जो कि ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टोनोग्राफर का और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की पदें हैं। इसमें ये अलग अलग पदें निकाली गई हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे भी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग कर देंगे, क्योंकि आप बहुत ही दिलदार लोग हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस वैकेंसी के बारे में हम जानते हैं कि इस वैकेंसी कब ये आएगी और कौन कौन सी इसमें डिटेल्स मांगी जाएगी आप लोगों की, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इस लिमिट इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म की, तो यह 26 सितंबर 2022 से भरा जाना प्रारंभ होगा, यानी कि अभी यह फॉर्म नहीं आया है, इसका नोटिफिकेशन लेकिन CISF ने जारी कर दिया है। यह 26 सितंबर 2022 से इस फॉर्म को भरा जाना प्रारंभ होगा और 25 अक्टूबर 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर एक महीने का समय आप लोग को दिया जाएगा। टोटल वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूं तो इसमें ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टोनोग्राफर की जो टोटल वैकेंसी आई है वो 122 आई है, और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो पदें हैं वो 418 पद, मतलब बहुत अच्छा खासा इसमें वैकेंसी निकाला गया है। तो आइए थोड़ा सा इसके डिटेल्स जान लेते हैं कि कैसे कैसे इस वैकेंसी को निकाली गई है। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर यह प्रदर्शित हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टोनोग्राफर की। तो इसमें देखिए डायरेक्ट मेल की जो टोटल वैकेंसी है वो 94 है और डायरेक्ट फीमेल की 10 है, और डिपार्टमेंटल जो भर्ती होगी वह 18 पद इसमें निकाले गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर वैकेंसियाँ जो हैं वह 122 निकाली गई हैं। और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें डायरेक्ट मेल की 319, डायरेक्ट फीमेल की जो बात करें तो इसमें 36 है, और डिपार्टमेंटल का इसमें 63 वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि कुल मिलाकर 418 पद इसमें निकाले गए हैं। आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो इसमें अलग अलग कैटेगरी की भी बांटी गई है वैकेंसियाँ, जिसे आप देख सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं अप्लीकेशन फ़ीस की। तो इसका जो अप्लीकेशन फ़ीस लगेगा वो मात्र 100 रुपये लगेगा, वो भी केवल जनरल OBC और EWS जो मेल कैंडिडेट हैं केवल उन्हीं का लगेगा, फीमेल कैंडिडेट का नहीं लगेगा, ना ही SC ST कैंडिडेट्स का इसमें फ़ीस लगने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग को 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट चाहिए या फिर उसके समकक्ष यदि आपके पास कोई है सर्टिफिकेट तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये जो आप लोग का सर्टिफिकेट या आप लोग का जो रिजल्ट होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए वह 25 अक्टूबर 2022 तक जारी हो जाना चाहिए, यानी कि इसके अंतिम दिन तक आप पास हो जानी चाहिए इंटरमीडिएट में। हालांकि अभी तो मतलब सबका रिजल्ट आ ही गया है, वो लगभग जुलाई से अगस्त के बीच में तो लगभग सभी बोर्ड के रिजल्ट्स आ जाते हैं इंटरमीडिएट के, तो सबके आ ही गए होंगे, तो कोई समस्या नहीं होगा इसके फॉर्म को भरने के लिए आप लोगों को। एज लिमिट की यदि मैं बात करूं तो इसमें जो एज लिमिट मांगा गया है वह 18 से 25 साल मांगा गया है, और इसकी जो गणना की जाएगी वह 25 अक्टूबर 2022 से की जाएगी, यानी कि 25 अक्टूबर 2022 को जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका जो उम्र है वह 26 अक्टूबर 1997 के पहले का नहीं होना चाहिए और 25 अक्टूबर 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी कि इस तारीख या फिर इसके बाद में और या तो इस तारीख इसके पहले यदि आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जैसे अन्य वैकेंसियों में SC ST और OBC कैंडिडेट्स को छूट मिलता है उम्र में, वैसे इसमें भी मिला है, जिसमें कि जो SC और ST कैंडिडेट हैं उन्हें 5 साल की छूट मिली है और OBC कैंडिडेट को इसमें 3 साल की छूट मिलेगी। तो ये हो गया हमारा एज लिमिट। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि ये कैसी पोस्टें हैं। तो ये मतलब ये जो पोस्टें हैं वह GD की पोस्टें नहीं हैं, तो आप लोग को सामान्य वो जो ड्यूटी होती है बंदूक लेकर खड़ा रहना इधर उधर, इस तरह की ड्यूटी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें आप लोग का जो कि असिस्टेंट स्टोनो, ये भी ऑफिशियल वर्क ही है, ये भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल ये भी पूरी तरह से ऑफिशियल वर्क ही है, यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है क्लर्कियल के रूप में आप लोगों को काम करना होगा, क्लर्क के रूप में आप लोगों को काम करना होगा, ऑफिस पूरा का पूरा ऑफिस वर्क ही होगा इसमें, आप लोगों को GD की तरह काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें।
जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें 10+2 चाहिए ही, लेकिन साथ में इसमें एक और चीज़ चाहिए, वो ये है कि ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए स्टोनोग्राफी आना चाहिए उन्हें, और हेड कांस्टेबल के लिए उन्हें टाइपिंग टेस्ट होगा, उन्हें टाइपिंग आना चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश किसी एक में। उसकी चर्चा मैं सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान मैं कर दूंगा अभी। तो वही मैं बता रहा था कि ये मिनिस्ट्रियल पदे हैं, बहुत मतलब शानदार पदे होती हैं, इसमें ऑफिशियल वर्क होता है, ज़्यादा कोई वर्कलोड नहीं, बस ऑफिस में जाना है, 6 से 7 घंटे काम करना रहता है, और कहीं कहीं पे शनिवार और संडे 2 दिन की छुट्टी मिलती है। तो ये इसमें बेहतरीन चीज़ है आप लोगों का। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पहले चरण में, फिर दूसरे चरण में आप लोगों का रिटर्न एग्जाम होगा, फिर तीसरे चरण में स्किल टेस्ट होगा यानी कि स्टोनोग्राफी कराया जाएगा आप लोगों से, और टाइपिंग टेस्ट होगा मिनिस्ट्रियल वालों का, जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हैं उनके लिए, और फिर अंतिम में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सारा प्रोसेस क्या है, कितनी हाइट चाहिए, कितनी चेस्ट होनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो चीज़ें, जो पैमाना इसमें दिया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम हाइट की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि शेड्यूल ट्राइब्स के अभ्यर्थियों को छोड़कर, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट हैं या फिर OBC कैंडिडेट हैं या फिर EWS कैंडिडेट हैं ऐसे, या फिर SC कैंडिडेट हैं, तो ऐसे लोगों की जो हाइट चाहिए वह 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं मैं बात करूं कुछ जो हिली एरियाज़ के लोग हैं उन्हें कुछ छूट मिलता है, जैसे कि गढ़वाली हो गए, कुमायूनीज हो गए, गोरखा, डोंगरा, मराठी, और जो कैंडिडेट हैं जो कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट होंगे उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 162.5 सेंटीमीटर मेल की होनी चाहिए और 150 सेंटीमीटर फीमेल की होनी चाहिए। वही हम शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब्स का भी इसमें छूट मिलता है, जो इनकी हाइट जो होनी चाहिए वो 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल का और 150 सेंटीमीटर फीमेल का होना चाहिए। वहीं मैं चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट इसमें जो शेड्यूल ट्राइब्स का छोड़कर और सभी का, यानी कि हिली एरिया का भी यही लगेगा, तो और जो कैंडिडेट बच जा रहे हैं शेड्यूल ट्राइब्स का छोड़ के, उनका जो न्यूनतम चेस्ट होना चाहिए यानी कि बिना फुलाव के उनका जो चेस्ट नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाव के बाद कम से कम 82 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। महिलाओं के लिए यहाँ पे चेस्ट की मपनी नहीं होगी, इनकी केवल हाइट की मपनी की जाएगी। वहीं हम शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो इनका 1 सेंटीमीटर का छूट मिल रहा है, यानी कि इनका जो चेस्ट होना चाहिए वो 76 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव इन्हें भी चाहिए, यानी कि 81 सेंटीमीटर न्यूनतम फुलाव चाहिए। इसमें महिलाओं का भी इसका कोई भी चेस्ट की मपनी नहीं की जाएगी। यहाँ पे वेट होता है, महिलाओं का वेट नापा जाएगा और हाइट की मपनी की जाएगी। तो ये हो गया हमारा PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आप लोग का हो जाएगा तो इसके बाद आप लोग को रिटर्न एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा। असल में ये जो होता है इसमें कोई नंबर नहीं दिया जाता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यदि आप जो भी यहाँ पे स्केल दिए हुए हैं उस पैमाने पे यदि आप खड़े उतरते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, डॉक्यूमेंट आपके सारे पूरे रहते हैं, तो फिर आप लोगों को रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। रिटर्न एग्ज़ाम के आधार पर ही आपका कट ऑफ बनता है। तो रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कितने प्रश्न आएंगे, कैसे होगा ये। तो आपके स्क्रीन पर ये देखिए प्रदर्शित हो रहा होगा, इसमें देखिए जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा आप लोगों का वह कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि कंप्यूटर पे आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, जिसमें कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के प्रश्न आएंगे, यानी कि 100 प्रश्न आएंगे जो कि बहुविकल्पीय किस्म के होंगे और 100 नंबर के होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि 100 प्रश्न आप लोग को हल करना होगा 120 मिनट में। ये जो प्रश्न पत्र होगा वो आपको 4 भागों में बटा होगा, यानी कि पार्ट A, B, C, D में। सबसे पहले आप लोग का जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के प्रश्न होंगे, 25 और 25 नंबर के होंगे वो। फिर जनरल नॉलेज के प्रश्न होंगे जो कि 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। फिर अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स के प्रश्न होंगे 25 25 नंबर के। और फिर जनरल इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न होंगे 25 और 25 मैक्सिमम मार्क्स के होंगे, यानी कि 120 मिनट का कुल समय मिलेगा, 100 प्रश्न आप लोग को हल करने होंगे और जो 100 नंबर का ही होगा। यहाँ पे देखिए निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यदि आप प्रश्न कोई गलत कर देते हैं तो कोई सही उत्तर से कोई नंबर आप लोग का नहीं काटा जाएगा, ये इसमें फ़ायदा है एक चीज़। फिर हम बात करते हैं स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट जिसमें कि हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है और ASI स्टोनोग्राफर के लिए स्टोनोग्राफी का टेस्ट होता है। तो इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रिटर्न एग्जाम आप जब दे देंगे तो उसके बाद आप लोग का कट ऑफ जारी होगा। कट ऑफ जारी होने के बाद फिर आप लोग का स्किल टेस्ट के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो स्टोनोग्राफर का जो वैकेंसी है, इन लोग को देखिए 80 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग करना होगा स्टोनोग्राफर में। इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन टाइम रहेगा वह 50 मिनट इंग्लिश के लिए रहेगा और 65 मिनट हिंदी के लिए ऑन कंप्यूटर रहेगा। वहीं हम बात करें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो यहाँ पे देखिए इन्हें यदि इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो इनका जो टाइपिंग स्पीड चाहिए वह 35 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, और हिंदी टाइपिंग यदि वह करते हैं तो यह 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। तो ये हो गया स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट देने के बाद फिर आप लोगों का डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। फिर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फिर आप लोगों को, आप लोग का फिर से अगर अधिक अभ्यर्थी हो जाएंगे तो आप लोगों को रिटर्न एग्ज़ाम के आधार पर फिर से हो सकता है कि फाइनल कट ऑफ निकाला जाए, और फिर आप लोगों को बुला, सारी प्रक्रियाएं चलेंगी, फिर आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। देखिए इस ये जो वैकेंसियां हैं, मैं जैसा कि मैंने बताया कि सब ऑफिशियल वैकेंसियां हैं, ऑफिस में बैठ के काम करना रहता है, लेकिन इसका जो ट्रेनिंग होता है उसमें उसमें कोई आप लोगों को आराम नहीं मिलने वाला है। उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो GD से थोड़ा बहुत हल्का हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है। ट्रेनिंग इसका पूरा फिजिकल, जितने मतलब जितने फिजिकल क्राइटेरिया होते हैं, दौड़ हो गया, मतलब जो भी ये ट्रेनिंग्स में कराए जाते हैं वो पूरा इसमें इन लोग को करना पड़ता है, क्योंकि जो ट्रेनर रहते हैं वो खुद GD के होते हैं, वो मिनिस्ट्रियल नहीं होते हैं, वो GD के होते हैं, तो अपने हिसाब से ट्रेनिंग बहुत दमदार किस्म का कराते हैं। लेकिन एक बार जब ट्रेनिंग होने के बाद जब आप चले जाते हैं अपने ऑफिस में काम करने, तो फिर ज़्यादा कोई समस्या नहीं रहता है, कोई समस्या नहीं रहता है। बस वो साल भर में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें इसमें नियम कानून होते हैं, साल भर के में एक बार आप लोगों को फिजिकल टेस्ट देना होता है, किसी प्रकार का खेल टाइप का होता है वो, तो उसमें आप लोगों को शामिल होना रहता है, खुद को साबित करना होता है कि हाँ आप फिट है, तो उसी के लिए आपको हल्का फुल्का एक्सरसाइज करने की आवश्यकता पड़ती है। ये तो मतलब बहुत बेहतरीन वैकेंसियाँ हैं और अच्छी खासी पोस्टें भी इसमें निकाली गई हैं, तो यदि आप इच्छुक हैं तो इस फॉर्म को अवश्य भरिएगा आप लोग। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नए वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी हो सके। यदि किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन रही हो इसके संदर्भ में तो आप कमेंट के माध्यम से उसे पूछ सकते हैं, यदि उसकी जानकारी हुई तो उसकी जानकारी अवश्य दी जाएगी।